ગુજરાતના ભાવનગર જિલ્લામાં એક સુંદર અને ઐતિહાસિક ગામ છે ગઢડા, જેને ગઢપુર પણ કહેવામાં આવે છે। આ એ જ પવિત્ર યાત્રાધામ છે જ્યાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ 29 વર્ષ સુધી બિરાજ્યા છે। સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયનો પાયો અહીંયાથી નખાણો છે। આ જગ્યાએ દાદા ખાચરનો દરબારગઢ છે। દાદા ખાચરના પિતાશ્રી એભલ બાપુના આગ્રહને વશ થઈ અને ભગવાન ગઢપુરમાં રોકાયા। ગઢડાના ગામધણી એભલ બાપુ અને એમના કુમાર દાદા ખાચરે ભગવાનને આગ્રહથી ગઢડામાં રોકી રાખ્યા। પોતાનું સર્વસ્વ અર્પણ કરી દીધું। દરબારગઢ, જમીન, જાગીર બધું ભગવાન સ્વામિનારાયણને ચરણે ધરી દીધું અને એ જ જગ્યા ઉપર મંદિરનું નિર્માણ થયું। निष्कुलानंद स्वामी लखे छे के थयूं खात मुहूर्त हरि हाथे रे, त्यारे हूँ पण हतो संगाथे रे। भगवानना हाथथी खात मुहूर्त थयुं अने आ गोपीनाथ जी महाराजनी दिव्य प्रतिमा विग्रह भगवानना हाथे प्राण प्रतिष्ठा करी अने स्थापित करवामां आवी। भगवान स्वामीनारायणना अंगे अंगनुं माप लई अने नारायणजी भाई सलाटे आ गोपीनाथ जी महाराजनी मूर्तिनुं निर्माण कर्युं। गोपीनाथ जी महाराज की मूर्ति की बाजू में धर्मदेव और भक्ति माता बिराजे छे। पीड़ा हार वाली जो मूर्ति है ये वासुदेव नारायण की मूर्ति है। वासुदेव नारायण की मूर्ति की स्थापना आज थी 200 वर्ष पहला भगवान स्वामीनारायणे पोताना हाथे दादा खाचरना दरबारगढ़नी अंदर आवेला वासुदेव नारायणना ओरडा में करी हती। वासुदेव नारायण की मूर्ति ने 200 वर्ष थया। एनो द्विशताब्दी महोत्सव अत्यारे उजवाई रह्यो छे। गोपीनाथ जी महाराज की प्रतिष्ठा करी एने 175 वर्ष थाय छे, एटले गोपीनाथ जी महाराजनो शतामृत महोत्सव उजवाय छे। गोपीनाथ जी महाराजना सिंहासन थी जमणी बाजुना शिखर में श्री कृष्ण, बलदेव जी अने रेवती जी नी प्रतिमाओ बिराजे छे। आ मूर्तिओ तादृश्य रीते दिव्यतानो अनुभव करावे छे। रेवती, बलदेव जी अने कृष्ण भगवान की बाजू में सूर्य नारायण की मूर्ति प्रतिष्ठा करवामां आवी छे। बाजू में चतुर्भुज रूपे बिराजता सूर्य नारायण ऊर्जा अर्पे छे। सूर्यनी पूजा थी तेज मळे, सूर्यनी पूजा थी कांति मळे। भगवाने शिक्षापत्री में पण सूर्य नारायण की पूजा आग्रह वराख्यो छे। दादा खाचरनो आ दरबारगढ़ छे। दक्षिणादा द्वारना ओरडा उपर मंदिर निर्माण करवामां आव्युं। आ उत्तरादा बारना ओरडा छे। दादा खाचरना दरबारगढ़नी वच्चे લીમડાનું एक झाड़ छे। आ झाड़ एटलुं प्राचीन अने पवित्र छे। नीम वृक्षनी नीचे बेसी अने महाराजे अनेक वचनामृतो कह्या छे। गोपालानंद स्वामी, मुक्तानंद स्वामी, ब्रह्मानंद स्वामी जेवा संतो प्रश्न पूछता होय अने भगवान स्वामीनारायण आध्यात्मना मार्ग चिंता होय एवं वचनामृतोनी धाराओ वहती हती। दादा खाचरना दरबारगढ़ में तो उपासनानी केड़ियों कंडाराणी पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण भगवान स्वामीनारायणनो महिमा अहींयाथी नंद संतोए प्रस्थापित कर्यो। अक्षरधाम जेवुं दिव्य आ स्थान ने मानवामां आवे छे। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण ज्यां निवास करे ते अक्षर ब्रह्म स्वरूप होय छे। स्वामीनारायण संप्रदाय में आ स्थान ने पंचभौतिक वस्तुओथी बनेलुं स्थान मानवामां नथी आवतुं। ब्रह्मनो जेटलो आदर थाय एटलो दादा खाचरना दरबारगढ़ अने नीमवृक्षनो आदर थाय छे। दादा खाचरना दरबारगढ़नी बाजुमां ज अक्षर ओरडी छे। भगवान स्वामीनारायण आ जग्या उपर रहता हता। ज्यारे गढ़पुरमां निवास कर्यो एटला वर्षो सुधी भगवान स्वामीनारायण आ अक्षर ओरडीमां बिराजता हता। अक्षर ओरडी अक्षरधामनुं स्वरूप मनाय छे। दादा खाचरनो दरबारगढ़, अक्षर ओरडी अने एनी जे दिव्यता छे एनुं वर्णन क्या शास्त्रों में थई शके। गढ़पुर स्वामीनारायण मंदिरना मुख्य वहीवटकर्ता अने आ उत्सवना संचालक एसपी स्वामी ने मळीए। पूज्य एसपी स्वामी मंदिरनो इतिहास अने महोत्सवना महत्व बाबतमां आपणने सारी बात करशे। गढ़पुरनी आ पावन भूमि पर आजथी शुरू थता महोत्सवनी दिव्यता ये समग्र स्वामीनारायण संप्रदायनो जाणे छे, समझे छे। ભગવાન સ્વામિનારાયણ આ પૃથ્વી ઉપર પ્રાગટ્ય થયું એમને 225 વર્ષ જ્યારે થઈ રહ્યા છે ત્યારે સમગ્ર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના અનુયાયો જે ભગવાન અનંતકોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિ આ જગતના જીવોના કલ્યાણ કરવાને માટે આ પૃથ્વી ઉપર પ્રગટ થયા છપ્પૈયાની પાવન ભૂમિ ઉપર જન્મ ધારણ કરી અને ગઢડાની અંદર પોતાનું ઘર માની અને 29 વર્ષ સુધી જે ગઢડાની પાવન ધરતી ઉપર રહ્યા એ ભૂમિ ઉપર સમગ્ર સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના અનુયાયો સંતો અને પૂજ્ય આચાર્ય અજેન્દ્ર પ્રસાદ જી મહારાજ અને ભાવિ આચાર્ય શ્રી નૃગેન્દ્ર પ્રસાદ જી મહારાજની આજ્ઞાથી આ ભવ્ય મહામહોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। સંપ્રદાયના ઇતિહાસની અંદર સૌપ્રથમ આ એવી એક ઘટના ગઢડાની અંદર બની રહી છે કે એકી સાથે 3 મહોત્સવ જે ભવ્ય અને દિવ્ય એક સાથે ઉજવાઈ રહ્યા છે। સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણ પ્રગટ થયા એને 225 વર્ષ થઈ રહ્યા છે। जरा गढ़डानु गोपीनाथ जी महाराज नु मंदिर स्वयं भगवान स्वामीनारायण बांधू पोताना वरद हस्ते आ मंदिर नु निर्माण करी पोतानी सेम मूर्ति जे गोपीनाथ जी महाराज नी मूर्ति पधरावी सेम पोतानी बॉडी टू बॉडी गोपीनाथ जी महाराज नी मूर्ति पोतानी नजर समक्ष बनावी ने पोताना हाथे ये मंदिर नी अंदर मूर्ति पधरावी एवा गोपीनाथ जी महाराज ना आ मंदिर ने 175 वर्ष थई रह्या छे। गोपीनाथ जी महाराज शतामृत महोत्सव अने संप्रदायनी अंदर भगवान स्वामीनारायण गढ़डानी अंदर पधार्या अने आ संप्रदायनी अंदर भगवान स्वामीनारायणना हाथे जे सौप्रथम मूर्ति प्रतिष्ठा थई एवी पहली मूर्ति वासुदेव नारायण भगवाननी मूर्तिनी स्थापना एने 200 वर्ष थई रह्या छे। आवा 3 महोत्सव ज्यारे एकी साथे गढ़डानी अंदर उजवाई रह्या छे त्यारे देश देशना हरिभक्तोने आ महोत्सवनी अंदर पधारी रह्या छे। आ महोत्सवनी अंदर पधारवा माटे समग्र स्वामीनारायण संप्रदायना अने धार्मिक लोको स्वामीजी आटला महामहोत्सवनी अंदर जे धर्म कार्य अने धार्मिक विधिओ संपन्न करवामां आवशे साथे समाज उपयोगी रोगीओने माटे के पीड़ितोने माटे जे कंई सेवा करवामां आवती होय के एवा कोई अन्य आयोजनो होय तो आप बताओ। स्वामीनारायण संप्रदायना इतिहासनी अंदर एक अभूतपूर्व घटना आ महोत्सवनी अंदर बनशे जे भगवान स्वामीनारायण पृथ्वी पर प्रागट्य थईने लोकोने समाज सेवा करवानी मोटी एक राह अने केडी कंडारेली। अत्यार सुधीनी अंदर आ स्वामीनारायण संप्रदायना हजारों लाखों संतो हरिभक्तोए समाजनी अनेक प्रकारे सेवा करेली छे। भूकंप होय चाहे पूर पीड़ित होय के कोई पण कुदरती आपत्तिनी अंदर स्वामीनारायण संप्रदायना अनुयायो संतो समाजनी सेवाना माटे खड़े पगे उभा रहता होय छे। ये विचारने लक्ष्यमां राखीने भगवान स्वामीनारायणे आ समाजना उत्थान माटे समाज सेवाना जे कार्यो कर्या छे ए समग्र गुजरातनी अने आम स्वामीनारायण संप्रदायना हरिभक्तो जाणे छे। ये भगवान स्वामीनारायणना आदेश अनुसार आ महोत्सवनी अंदर समग्र गुजरातनी समग्र विश्वनी अंदर एक नवी वात अने नवुं सामाजिक कार्य अने लोकोने प्रेरणा मळे एटला माटे आ महोत्सवनी अंदर गोपीनाथजी महाराजना महोत्सवनी अंदर भगवान स्वामीनारायणे जे मूर्ति बनावी छे ए गोपीनाथजी महाराजनी मूर्ति एना वजन टू वजन साथे हरिकृष्ण महाराज जे बिराजी रह्या छे ए मूर्तिना वजन बराबर अने वासुदेव नारायण भगवाननी मूर्तिना वजन बराबर स्वामीनारायण संप्रदायना संतोने हरिभक्तो रक्तदान करी अने 42 मण रक्तदान करी आ मूर्तिओना वजनो वजन समग्र समाजना अंदर एवा दुखी अने दर्दवाळा लोकोने लोय मळी रहे એટલા માટે 42 मण रक्तदान करवानो संकल्प करवामां आवेल छे। अने जे रक्तदान तारीख 26 थी शरू थशे 26 27 28 अने 29 अने 30 आम 4 दिवस आ ब्लड दान करवामां आवशे अने रक्त दान केम्प खोलवामां आवशे। अने संप्रदायना इतिहासनी अंदर समग्र गुजरातना अने बधा धर्माचार्यो भेगा थईने जे भगवान स्वामीनारायणे 200 वर्ष पहेला बाळकीनी हत्या माटे जे झुंबेश छेडी हती अने स्त्री हत्या अने बाळ हत्या बाळकीनी एने मोटी जबर समाजनी अंदर जागृति लावीने अटकावी हती। ए संप्रदायना संतो अने सत्संगीओ आज समाजनी अंदर जागृति माटे भ्रूणहत्यानो ठराव करशे अने समग्र स्वामीनारायण संप्रदायना संतोने गुजरातनी आम जनताने आह्वान करी स्त्री भ्रूणहत्याने अटकाववा माटेनो झुंबेश आ महोत्सवथी शरू करवामां आवशे। गोपीनाथ जी महाराज ना मंदिर नी बाजुमां सुख सैया है। आ भगवान स्वामीनारायण पोते पहेरता ए चांखड़ीओ है। चांखड़ीओनु दररोज पूजन करवामां आवे छे। भगवानना चरणारविंद ने पूजाना महिमा थी आ चांखड़ीनी दररोज सवारे 5 वागे पूजा थाय छे। आरतीनो समय छे। लालजी महाराज, भावी आचार्य महाराज श्री नृगेंद्र प्रसाद जी महाराज पधार्या गोपीनाथ जी महाराजनी आरती उतारवा माटे। गोपीनाथ जी महाराजना द्वार खुलशे, आरतीनी झालर वागशे, नगारा अने नोबत वागशे, जय जयकारथी गढ़डानुं मंदिर गूंजी उठशे। आरती उतार्या पछी लालजी महाराज, नृगेंद्र प्रसाद जी महाराज, रेवती बलदेव जी, कृष्ण स्वरूप अने सूर्य नारायण ने पगे लागी बाजूना शिखर में बिराजता धर्मदेवनो चरण स्पर्श करे छे। धर्मदेव लालजी महाराजना आदि पितामह थाय। आजे उत्सव शरू करता पहला दीकरो दादाना चरण में मस्तक नमावी अने उत्सव शरू करवानी आज्ञा लीए छे। आ उत्सव समये सत्संगी जीवननी पारायण छे अने आ पुस्तक लक्ष्मीवाड़ी में कथा स्थाने लई जवामां आवशे। यजमानों आ पोथीओनुं पूजन करी रह्या छे। इस ग्रंथ को भव्य शोभा यात्रा के स्वरूप में लक्ष्मी बाग जहाँ पर कथा स्थान है वहाँ पर ले जाया जाएगा, गुजराती में जिसे पोथी यात्रा कहते हैं। ये पोथी यात्रा यहाँ से लक्ष्मी बाग पर जाएगी और लक्ष्मीवाड़ी पे इस ग्रंथ को स्थापित किया जाएगा, जहाँ सत्संगी जीवन ग्रंथ जिसमें भगवान स्वामीनारायण के दिव्य जीवन चरित्र का समाविष्ट किया गया है, शतानंद स्वामी ने ग्रंथ बनाया है, वही ग्रंथ लक्ष्मी बाग के अंदर ले जाया जाएगा। गोपीनाथ जी महाराज ने सामे थी पोथी यात्रा शुरू थी रही है। सत्संगी जीवन की पोथी हवे यज्ञ स्थान पर अने कथा स्थान पर जई रही है। गोपीनाथ जी महाराज सामे थी उपाड़ी अने पोथी लक्ष्मी बाग जशे। पोथी यात्रा की तैयारी थी गई है। मंदिर की बहार हजारों की संख्या में दर्शनार्थीओ एकत्रित थया छे। पोथी यात्रा में जोड़ावा माटे, शोभा यात्रा में जोड़ावा माटे हजारों सत्संगीओ मंदिर ना आंगण में ऊभा है। सैकड़ों संतो अने हजारों सत्संगीओ थी गढ़पुर मंदिर आज शोभी रह्यु छे। ગામ આખું ઉભરાઈ રહ્યું છે સત્સંગીઓથી, દર્શનાર્થીઓથી. પોથી યાત્રા પ્રારંભ થઈ ચૂકી છે. ગોપીનાથજી મહારાજના મંદિરમાંથી પોથી જઈ રહી છે. શ્રી નૃગેન્દ્ર પ્રસાદ જી મહારાજ પધારી રહ્યા છે. ભવ્ય પોથી યાત્રાની તૈયારી થઈ રહી છે. હજારોની સંખ્યામાં યાત્રિકો, દર્શનાર્થીઓ સ્વામીનારાયણ મંદિરમાં એકત્રિત થઈ રહ્યા છે. લાલજી મહારાજ, શ્રી રોગેન્દ્ર પ્રસાદ જી મહારાજ પોથી યાત્રાને શોભાવવા માટે પધારી રહ્યા છે. સંપ્રદાયનું ભાવિ સ્વામીનારાયણ સંપ્રદાયના ભાવિ આચાર્ય મહારાજ શ્રી રોગેન્દ્ર પ્રસાદ જી પોથી યાત્રાને પધારી રહ્યા છે. ગોપીનાથજી મહારાજ ગઢપુર ગોપીનાથજી મહારાજના મંદિરના પટાંગણમાંથી ભવ્ય શોભાયાત્રા પ્રારંભ થઈ ચૂકી છે. ગઢપુરની લક્ષ્મીવાડી જ્યાં મહોત્સવનું સ્થળ છે, જ્યાં કથાનું સ્થળ છે, ત્યાં જવા માટે આ શોભાયાત્રાનો પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. શોભાયાત્રાના મુખ્ય રથમાં બિરાજમાન થયા છે ધર્મ ધુરંધર આચાર્ય મહારાજ શ્રી અજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજના સુપુત્ર અને સંપ્રદાયના ભાવિ આચાર્ય મહારાજ श्री नृगेंद्र प्रसाद जी महाराज आ शोभा यात्रा मुख्य रथ में बिराजा है. हजारों हरिभक्तों थी गढ़डानो आ आंगण उभराई रह्यो छे. सैकड़ों संतों की हाजरी है. लाखों की संख्या में आ उत्सव ने टेलिविजन की साधना चेनल मार्फत सौ दुनिया ना देश देशांतर में जोई रह्या छे. बीजा रथ में बिराजमान है कोठारी स्वामी, शास्त्री स्वामी, घनश्याम वलभदास जी स्वामी, पूज्य नित्य स्वरूप स्वामी, नित्य स्वरूपदास जी स्वामी सरदार निवासी तेओ आ कथाना बीजा वक्ता छे. एक वक्ता तरीके घनश्याम वल्लभदास स्वामी शास्त्री जी विराज छे अने सत्संगी जीवनना बीजा वक्ता तरीके नित्य स्वरूप स्वामी विराज छे. बाहर से आओ यार।